नमस्कार दर्शक बंधु, मुँ मटन रो तरकारी बनवाक जाऊँ मटन झोल आई मुझे 750 ग्राम मटन नहीं लुण हलदी सोरिष तेल धनिया पाउडर आ मीट मसला पकई ताको मैरिनेट करी आमे 15-20 मिनट पर्यंत रखिबा। आ मटन बनवाई मुठ 5 पिज को एमती काटि नहीं 5-6 आलु को एमती काटि नहीं रसुण और अदार गोटे पेस्ट बनई नहीं भाजीद एबरे मुटि रखी पिज को देदेवि पिज दे सर से किसी हलदी गुंड कि लुण दे गोल नाब पिज को लाल हम पर्यटन आम भाजवा ये देखु आम पिज भाजी हो पिज भाजिक लाल होने से अदा और रसुण का पेस्ट दबा आम आपको 10-15 मिनट पर्यटन कष रसुण और अदार कंचा स्मेल जीवा पर्यटन आम तो देखते ये आम मसला पूरा कषि हो गला बर्तन आम से मटन को देवा आम आपको 5-10 मिनट पर्यंत एमती कषा देखु धीरे धीरे आम कसा प्रस्तुत हो गले आम एमती कषु कारण आम जिते मटन टाक कषि मटन रेस्टा से बढ़ो तेणुक कसुवा आ मझे मझे कभर टिके करदे पी कभर खोलिक कषि नब बर्तन मुझे पुणी कभर करदेवि आ 5-10 मिनिट आम एमती कभर करके कषि नवा मु बर्तमान से भाजिक रखी आलु आ गरम मसला गुंड दे दी बर्तन तक आम गोल की भाजी नवा कष ना तो आम टे पा दबा और पा दे आगे कषि नवा ये मुझे गरम पा दे
देखु धीरे धीरे आम कषा प्रस्तुत हो गले आम एमती कषुवा कारण आम जिते मटन टा को कषले मटन रेस्टा से बढ़ो तेणुक आम आपको कषुवा आ मझे मझे कभर टिके करदे पुणी कभर खोलिकी कषि नब बर्तन मुझे पुणी कभर करदेवि आउ पांच कि दस मिनिट आम एम कभर करके कषि नवा बर्तन देखते आम आलू आ मटन पूरा कषि हो जाए बर्तन आम से पानी देदे ये मुझे गरम पा नहीं गरम पाई आपकी झोल रखे से अनुसार पानी देवे गोल गोल आर कभर देखिए आम गोटे दुईटा हुई दबा पर्यटन छाड़ीदेगा